क्रिएटिव फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज चारुआ सोपा और आज मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ। मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम पे पूछा था कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन कीजिए, तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और मैं आज उनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर करने वाली हूँ। तो कमाल की बात ये है कि आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें से बहुत सारे लोगों ने सेम क्वेश्चन किया है अबाउट पॉजिटिविटी। सो गाइज, पॉजिटिविटी क्या है? हम लोग आजकल हर किसी के मुंह से सुन रहे हैं कि बी पॉजिटिव, दे आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिविटी, पॉजिटिव बिहेवियर। सो व्हाट इज पॉजिटिविटी? पॉजिटिविटी एक थॉट है। अगर कोई इंसान कुछ गलत करता है तो आप कहते हैं कि वो इंसान बहुत नेगेटिव है, कर रहा है वो, तब तक बहुत देर हो गई है। उसके पहले आपके दिमाग में एक थॉट आता है जो कि नेगेटिव थॉट होता है। सो वो नेगेटिव थॉट जब आ रहा है उसी टाइम पे उसको पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर दो, तो आगे जाके हमारे बिहेवियर में वो नेगेटिविटी नहीं दिखाई देगी। सो बेसिकली हम जो बोलते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, तो मेडिटेशन इसीलिए करते हैं ताकि अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाए कि जब कोई नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आ रहा है, हम उसी वक्त हमें पता चल जाए कि ये नेगेटिव थॉट है, ये गलत थॉट है और ये थॉट नहीं आना चाहिए। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर वो अवेयरनेस आती है अबाउट थॉट्स। मुझसे एक क्वेश्चन और किसी ने किया था कि मैं 9 घंटे काम करता हूँ ऑफिस में, तो उसके बाद मैं मुझे वर्कआउट करने के लिए मोटिवेशन कैसे मिलेगा? मैं जब सुबह उठती हूँ तो मुझे एक थॉट आता है कि क्या उठना है, वापस सो जाते हैं, और दूसरा थॉट है कि नहीं, अगर मैं इस बेड से उठ के बाहर निकल गई तो उसके बाद फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता है वर्कआउट करने से। सो वो जो एक आपको जो फर्स्ट थॉट आ रहा है, आपको उस थॉट को हराना है। और ट्रस्ट मी, जब आप अपने एक गलत थॉट को हराते हैं तो आपको जो खुशी मिलेगी ना, दैट्स अमेजिंग। तो वो एक थॉट को हराना ही बहुत बड़ी बात है। तो जब भी आपके दिमाग में कोई गलत थॉट आता है, आप उसी को इमीजिएटली उस थॉट को चेंज करके पॉजिटिव थॉट कर लीजिए कि सपोज मुझे थॉट आया कि नहीं, मुझे वर्कआउट नहीं करना है और सोना ज़्यादा अच्छा है, तो उस टाइम मैंने अपने थॉट को कन्वर्ट कर दिया कि नहीं, मेरे लिए वर्कआउट ज़्यादा अच्छा है, अगर मैं एक बार वर्कआउट कर लूँगी तो फिर मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, अपने थॉट्स, एवरीथिंग इज़ अबाउट थॉट्स, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, जो हमें आजकल एंग्जाइटी होती है, जो हमें डिप्रेशन होता है, वो एवरीथिंग इज अबाउट थॉट्स। आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने थॉट्स के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आप दिन में कई बार, आप जितनी बार चाहें, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि हम 3 बार खाना खाते हैं, 4 बार खाना खाते हैं, तो उतनी बार हमें ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहिए। तो मैं उस हिसाब से करती हूँ कि अगर मैंने खाना खाया तो हाँ, दैट्स द टाइम मुझे भी ट्रैफिक कंट्रोल करना है। तो ये अपने आप को याद दिलाने की बात है। तो ट्रैफिक कंट्रोल कैसे करना है? आपको बेसिकली बैठना है, जहाँ पे भी आप अपने ऑफिस में बैठे हैं या अपने घर पे हैं या जो भी कर रहे हैं, आप 1 मिनट अपने लिए निकालिए। 1 मिनट, 5 मिनट, जितना टाइम निकाल सकते हैं, मिनिमम 1 मिनट तो निकालिए ही निकालिए, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे थॉट्स। तो उस उन थॉट्स की क्वालिटी अच्छी हो, हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो क्वालिटी खराब हो जाती है। तो क्वालिटी अगर अच्छी करनी है तो आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। जैसे अगर कम थॉट्स आएंगे तो अच्छे थॉट्स आएंगे, और ज़्यादा थॉट्स आएंगे तो खराब थॉट्स आएंगे। सो बेसिक ट्रैफिक कंट्रोल में ये होता है कि आप अपने दिमाग में आप देखिए कि कितने थॉट्स आ रहे हैं, और उसके बाद में थॉट्स को रोकने की कोशिश कीजिए। ट्रैफिक कंट्रोल, आप देखेंगे कि क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, तो थॉट्स अपने आप कम होते जाएंगे। तो बेसिकली अपने हर थॉट पे नजर रखिए। हम बोलते हैं कि दूसरा इंसान हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, मैंने उसको बोला ये करो वो ये कर नहीं रहा है। तो गाइस, आपका दिमाग तो पहले आपके हिसाब से चले, दुनिया बाद में चलेगी आपके हिसाब से। सो अपने ऊपर तो पूरा कंट्रोल कीजिए, उसके बाद में हम दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। पहले खुद के ऊपर तो कंट्रोल कीजिए। आपको पता नहीं आपके अंदर थॉट्स कौन कौन से आ रहे हैं, आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप दूसरे इंसान पे क्या कंट्रोल करेंगे? सो ये ट्रैफिक कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने थॉट्स का ट्रैफिक कंट्रोल करना शुरू कीजिए। जब भी फ्री बैठे हो तो सोचें कि चलो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। सो इस तरीके से
आपके अवेयरनेस जागेगी कि आप कि आपको किस किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। और पॉजिटिविटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी सुबह। मैं जब छोटी थी तो मेरे डैड बोलते थे कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करो, क्योंकि जो सुबह उठ के जो पढ़ाई करते हैं ना वो हमेशा याद रहता है। तो मुझे पापा 4 बजे उठाते थे और पढ़ाने एग्जाम्स के टाइम में सुबह 4 बजे उठ के मैं पढ़ने बैठती थी, क्योंकि पापा का ये मानना था कि जो सुबह सुबह पढ़ते हैं ना वो हमेशा दिमाग में रहता है। तो और ये बात सच है गाइस, तब मुझे ये बात समझ नहीं आती थी लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि सुबह सुबह आप जो अपने दिमाग में डालते हैं वो आपके दिमाग में हमेशा रहता है। जैसे कि आप सुबह सुबह उठते ही स्टार्टिंग का जो आपका स्टार्टिंग का एक घंटा जो होता है उसमें आप क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, आप न्यूज देखते हैं, या आप बाहर से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, और बाहर इंफॉर्मेशन सिर्फ बैड न्यूज ही है। तो स्टार्टिंग के एक घंटे आप अपने फोन को, टीवी को, सबको बंद करके रखें। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि आप स्टार्टिंग के एक घंटा अच्छा कुछ मोटिवेशनल सुने, कुछ कोई ज्ञान की बात सुने। मैं ब्रह्म कुमारीज को फॉलो करती हूँ तो मैं ब्रह्म कुमारीज को सुनती हूँ। और स्टार्टिंग का एक घंटा आप खुद के साथ बिताएं, यू नो, खुद पे वर्क करें। जो आप चाहते हैं कि आप आपके अंदर वो चीज़ अच्छी हो जाए, तो आप स्टूडेंट्स पढ़ाई करें, या जो सिंगर्स हैं वो रियाज करते हैं सुबह सुबह। तो सुबह सुबह आप जो चीज़ करते हैं वो आपके दिमाग में पक्का होता जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो सुबह होती है ना, ओन योर मॉर्निंग्स एंड एलिवेट योर लाइफ। सो मॉर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। एंड टाइम बिफोर यू स्लीप। तो सोने से पहले अगर आप नेगेटिव न्यूज देख के सोएंगे तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, आपको सपने वैसे आएंगे, सुबह आपकी अच्छी शुरुआत नहीं होगी क्योंकि नींद अच्छे से नहीं आई है। तो इसलिए आपका सोने के पहले का जो टाइम है, सोने के पहले का एक घंटा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम पर आप कुछ नेगेटिव ना देखें, अच्छी चीजें देखें, मेडिटेशन करें या भगवान का नाम लें, या जो भी आपको चीजें अच्छी लगती हैं जो आपके दिमाग को शांत रखती हैं, वैसी चीजें करके आप सोएं। तो आप सुबह फ्रेश उठेंगे और सुबह भी आप अच्छी एनर्जी लेंगे, तो उस हिसाब से आपके पूरे दिन की जो आपकी वाइब्रेशन है वो हाई रहेगी। तो ये चीज मैं फॉलो करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर इंसान को ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपको जो आप वट एवर यू वॉच, रीड एंड लिसन, वो आपका रॉ मटेरियल है। तो उससे आपके थॉट्स बनते हैं, उससे आपका दिन बनता है। तो वो आप कोशिश कीजिए कि वो जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं, जो आपका रॉ मटेरियल है, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके पूरे दिन का वाइब्रेशन हाई रहे। उसी से आपका दिन बनने वाला है, उसी वैसे ही आपके थॉट्स आने वाले हैं। और थॉट्स हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं, मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि जो थॉट्स होते हैं वही मैनिफेस्ट होते हैं। आप ज्ञान सुन रहे हैं या जो भी नॉलेज ले रहे हैं सुबह सुबह के एक घंटे जो आप कर रहे हैं, वो उसमें अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। कंपैशन, काइंडनेस, यूनिटी, एम्पथी, लव, तो इस तरह की चीज़ें आपको सुबह सुबह जो आप देख रहे हैं वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर आप सुबह सुबह ये चीज़ें एज रॉ मटेरियल लेंगे तो उसके बाद देखिए आपका दिन कितना पॉजिटिव और कितना एनर्जेटिक और कितना हैप्पी जाता है। सो ट्राई दिस। सो मुझे किसी ने सवाल किया है कि क्या आपने गीता पढ़ी है, और दूसरा सवाल था कि महाभारत का फेवरेट कैरेक्टर क्या है, आपका कौन है। तो गाइज पहले तो मैंने गीता नहीं पढ़ी है, हालांकि मैं पढ़ना चाहती हूँ, आने वाले टाइम में मैं ज़रूर गीता पढ़ूंगी क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और महाभारत का मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है वो, एक तो मुझे कर्ण बहुत पसंद है, लेकिन आई वुड से कृष्ण। और महाभारत और गीता दोनों कृष्ण से रिलेटेड हैं। सो महाभारत में अर्जुन को जो ज्ञान कृष्ण देते हैं वो गीता है बेसिकली। तो कृष्ण ये अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि जब आप कर्म भूमि में होते हो, जब आप कर्म कर रहे होते हो, तो सिर्फ कर्म आपका धर्म है, और कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल आपके कर्म के अनुसार आपको अपने आप मिल जाएगा।
ये सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए या जो भी एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, जो भी अपने अपने फील्ड में जो कुछ भी कर रहे हैं, जो और कर्म हर कोई करता है, ऐसा नहीं कि कोई कर्म नहीं करता। सोना, जागना, उठना, खाना पीना, भगवान की पूजा करना, ये सब कर्म है और कर्म हर कोई इंसान कर रहा है। कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता, जन्म लेने से लेके मरण तक कर्म आपके साथ रहता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल आपको अपने कर्म के अनुसार, जैसा आपने कर्म किया है उसका अनुसार आपको मिल जाएगा फल। आपको क्या फल मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है, तो आपका आपके हाथ में क्या है, कर्म करना, तो कर्म करते हैं फिर। ओके, अगला सवाल है कि आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं। तो गाइस, मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने परिवार से, अपनी फैमिली से करती हूँ, और मेरी स्ट्रेंथ भी मेरी फैमिली है और मेरी वीकनेस भी मेरी फैमिली है। अगर मेरी फैमिली में किसी को कोई तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है, और जब सब लोग खुश होते हैं तो मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन होती हूँ, और फिर अगर मेरी फैमिली खुश है तो मैं खुश हूँ, अगर मेरी फैमिली को थोड़ी सी भी कोई तकलीफ है तो मैं अपसेट रहती हूँ। तो या माई फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, सो मुझसे पूछा गया है मेरी स्टडीज के बारे में। तो मैं बीकॉम में ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीकॉम किया है। सो बेसिकली मैं एक साइंस मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, और मैंने पीईटी से मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ था, मुझे कॉलेज मिला था, मैं उसमें कुछ महीने गई थी, और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे एक्टिंग करना है। तो मेरे डैड ने कहा कि नहीं, ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर कल को आपकी लाइफ में आप कुछ कर रहे हो और आपके पास आपका बैकअप नहीं है, कि सपोज तुम बोल रहे हो कि तुम्हें एक्टिंग शौक में, मुझे तो पता, पापा को तो पता नहीं कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो माय फादर वाज लाइक कि आप, अगर तुम्हारा एक्टिंग में कुछ नहीं हुआ तो तुम तो फिर ना इधर की रहोगी ना उधर की रहोगी, क्योंकि तुम्हारे पास डिग्री भी नहीं होगी। तो डिग्री तो होनी चाहिए, बैकअप होना चाहिए, हमेशा प्लान बी रेडी होना चाहिए। तो मैंने सोचा इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल जाएंगे इंजीनियरिंग करने में, और अगर बीकॉम करती हूँ तो 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाएगा। सो मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी और फिर बीकॉम किया। अब नया स्ट्रगल ये था कि मैं साइंस मैथ्स की स्टूडेंट और सडनली मुझे कॉमर्स पढ़ना पड़ रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे कॉमर्स कैसे करूँगी, इतने साल तो मैंने साइंस मैथ्स पढ़ी, अब कॉमर्स कैसे सडनली। बट देन समहाउ मैंने अकाउंट्स के जो मार्क्स थे वो मैंने ज़्यादा करके मैंने स्टैट्स में कवर किया, क्योंकि स्टैट्स मोस्टली मैथ्स ही थी। तो मैंने अपने अकाउंट्स के मार्क्स स्टैट्स में कवर करके समहाउ आई पास्ड, एंड मेरा किसी तरह ग्रेजुएशन हो गया अच्छे खासे, ऑलमोस्ट फर्स्ट डिविजन से मेरा ग्रेजुएशन हो गया। और बस फिर मैं मुंबई आ गई, और मुंबई आई तो यहाँ का अलग स्ट्रगल था, और जब मैं वहाँ से निकली तो मुझे लगा कि बस चाहते ही मुझे ब्रेक मिल जाएगा और मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी। बट मुंबई आके एक अलग स्ट्रगल होती है, लेकिन अगर आपका आप श्योर हो कि आपको यही करना है तो आप अपना 100% देते हो वहाँ पर। जहाँ कहीं पर भी आप श्योर होते हो कि आपको यही करना है और किसी भी हाल में आप ये नहीं छोड़ सकते ना, तो फिर आप अपना 100% देते हो वहाँ पर। तो मैंने अपना 100% दिया, मैं दिन में 4-4 ऑडिशंस देती थी। किसी दिन ऐसा होता था कि कुछ हो नहीं रहा है, फिर क्यों मैं ऑडिशन पे जा रही हूँ, लेकिन नहीं, मैंने, मुझे याद है कि कम से कम 3 महीने तक मैं कंटिन्यूसली ऑडिशन दे रही थी, और 3 महीने के बाद मुझे पहला ब्रेक मिला था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं जो कि उस टाइम का टॉप शो था और बहुत अच्छी TRP चल रही थी उसकी। और बस वहाँ से शुरुआत हुई मेरी, और क्योंकि वो टॉप शो था और सबसे हाईएस्ट TRP शो चल रहा था उस टाइम पर, तो काफ़ी लोगों की नज़र पड़ी और सबने मेरा काम देखा, और फिर मुझे उसके बाद में बैक टू बैक काम मिलना शुरू हो गया। सो ये मेरी शॉर्ट में मैंने आपको जर्नी बताई है। किसी दिन बहुत अच्छे से मैं आपको अपनी पूरी जर्नी बताऊँगी, पूरी स्टोरी बताऊँगी, तो हम किसी दिन और दिन बात करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजन बिहाइंड योर क्यूट स्माइल। क्यूट है कि नहीं यार, पता नहीं, दिल से हंसती हूँ जब भी हंसती हूँ और दिल से रोती हूँ जब भी रोती हूँ। तो मैं अपने आगे वो एक मास्क लगा के नहीं रख सकती, वो मास्क मेरे पास नहीं है, तो जो भी है सब सच्चा है, एंड स्माइल कॉज इट नेवर हर्ट्स। मुंबई और बीकानेर,
बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एक मेरी जन्मभूमि है और एक मेरी कर्म भूमि है, और दोनों ही आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप दोनों में से एक को चूज नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों की बराबर जगह होती है। दोनों ही जगह मेरी जान है, मुंबई में मेरी जान है और बीकानेर में मेरी जान है। ओके, सो मुझसे क्वेश्चन किया गया है कि आप कर्मा में बिलीव करते हो या नहीं। गाइस, कर्मा में मुझे पूरा विश्वास है। कर्मा क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी, राइट? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कर्म योग जो है, उसमें भगवान ने यही कहा है कि जैसा कर्म आप करोगे आपको उसके अकॉर्डिंग फल मिल जाएगा। तो आप, फल आपके हाथ में नहीं है, फल किसी के भी हाथ में नहीं है, और किसी को सजा देना आपके हाथ में नहीं है। आप अपना कर्म अच्छा करो। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो है। अगर किसी की वजह से आपकी आंख में एक आंसू आया है या आपको थोड़ी भी तकलीफ हुई है ना, अगले बंदे को उसका पूरा हिसाब चुकाना पड़ेगा भगवान को। और भगवान की जो लाठी होती है उसमें आवाज नहीं होती है। तो भगवान है आपके साथ, आपको किसी से कोई बदला लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो भगवान है आपका बदला लेने के लिए। भगवान में विश्वास रखिए, अपना कर्म अच्छा कीजिए। तो मेरा ना फेवरेट मुहावरा है, जैसी करनी वैसी भरनी, और मैं बिलीव करती हूँ, मुझे पता है कि ये सच है। गाइस, कर्मा सिर्फ किसी के साथ बुरा करना नहीं होता है। अगर किसी ने आपके बारे में, आपने किसी के बारे में गलत सोचा भी है ना, तो भी वो गलत कर्म है। तो किसी के बारे में गलत सोचना भी नहीं, सब अच्छे हैं। आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आपके बारे में किसी ने गलत सोचा है तो उसका जवाब वो भगवान अपने आप हिसाब लेकर लेगा, उसका कर्मा उसको मिल जाएगा। आप तो अपना कर्मा ठीक कीजिए। सो कभी कभी क्या होता है, हमको लगता है कि हम बदला ले लेते हैं, और हमने बदला ले लिया, वो सामने वाले को बहुत तकलीफ पहुंचा दी, लेकिन आपको क्या पता भगवान उससे भी बुरा करने वाला हो उसके साथ, या भगवान की सजा और भी खतरनाक हो। आपने तो बचा लिया उसको, क्योंकि भगवान तो बोलेगा तुमने जब सजा दी थी तो मैं क्यों दूं। सो आज मैं आपको इतने क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और बहुत सारे लोगों ने तो कहा था कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, सिर्फ ये कहना है कि आप खुश रहें, आप पॉजिटिव रहें, स्ट्रांग रहें। तो गाइस, आप लोगों की जब ऐसी बातें सुनती हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अपनापन लगता है, और ऐसा लगता है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और बस ऐसे ही मुझसे प्यार करते रहिए, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका प्यार बहुत मायने रखता है और मुझे बहुत मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।